तो आज हम आपको बताएंगे कि होंडा की एक्टिवा किस प्रकार गैस पर इंस्टॉल की जाती है, था इसमें गैस प्रकार गैस कि इसमें किस प्रकार गैस किट लगाया जाता है, ठीक है, एलपीजी गैस में कन्वर्ट किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये हमारी हीरो होंडा की एक्टिवा स्कूटी है, जो पुराने मॉडल वाली भी है, ये तो 3G वाली मोड वाली है। इसमें हम गैस किट बिना किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं इसमें गैस किट, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। सर्वप्रथम इसकी हम पूरी तरह से खोलेंगे, ठीक है, इसको खोलेंगे, इसको स्क्रू खोल देंगे, खुल गया। अब इसकी सीट खोलेंगे, सीट खुल चुकी है। अभी इसको इसके अंदर वाले बोल्ट खोलेंगे, अब इसको धीरे से सीट को ऊपर ऊपर खींच के निकालेंगे बाहर, सीट को गैस के अंदर, ठीक है। अब ये रहा, इसको क्या है कि अपना टैंक आसानी से बिठे, इसलिए इसको थोड़ा सा हीट देके गर्म करके इसको नीचे बिठा लेंगे, जिससे कि अपना टैंक आसानी से बिठे, था रेगुलेटर यहाँ टच ना हो, इसके लिए इसको फिर बाद में अगर हीट देके इसको नीचे बिठा देंगे, ठीक है मित्रों। वीडियो को अंदर से उनको बताओ अपने मित्रों को कि हमारी कार्बेटर वाली स्कूटी है, होंडा की एक्टिवा स्कूटी है, ठीक है। अब इसमें एक ये होस पाइप है, इसमें एक यहाँ पे एक छेद डालेंगे और इसमें एक वैक्यूम के लिए है, ये जिसमें एक यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर इस वैक्यूम का कनेक्शन यहाँ से देंगे अपन। अब हम इस कार्बेटर को खोल के बाहर निकालेंगे तथा यहाँ पे एक सॉकेट लगाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर से खोल देंगे एक्सीलेटर पिस्टन को, एक्सीलेटर पिस्टन खुल चुका है, ये चोक वायर भी खोलेंगे इसको, ये चोक वायर भी खुल चुका है, ठीक है। ये दोनों ढीले करेंगे बोल्ट को, दोनों बोल्ट को खोलेंगे, दोनों खुल चुके हैं, अब लगभग कार्बोरेटर खुलने की कंडीशन पर आ चुका है, ठीक है। अब इस स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करेंगे जिससे कि चोक वायर बाहर निकल जाए, ये अपन ने ढीला किया इसको और चोक वायर आसानी से बाहर निकल गया है, ठीक है। अब कार्बोरेटर को धीरे से खींचेंगे, ये खुल गया है, और ये पेंटोल वाली पाइप को खोलेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पे ऐसे इसको घुमा के रख देंगे जिससे पेंट्रोल बाहर ना निकले। ये अपना कार्बेटर खुल चुका है, अब यहाँ पे अपन ये वाला मुँह है, यहाँ पे एक सॉकेट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि गैस अंदर जाए, और ठीक है आ जाओ। इसको
जिससे क्या अच्छा परफॉर्मेंस मिलता रहता है, गाड़ी को चोक भी लगती रहती है। अगर आप पीछे से नली घुसाओगे होस पाइप से तो गाड़ी में चोक भी नहीं लगेगी, तथा कुछ समस्याओं का नली घुस खींच जाए उसमें समस्या का समाधान नहीं होता है, कुछ नली खींचने की समस्या रहती है उसमें। यह हमारा व्यवस्थित तरीके से सॉकेट लग गया अंदर, अब ये दोनों नटे खोलेंगे कार्बोरेटर की। ये अपना कार्बोरेटर खोल चुका है, ठीक है, कार्बोरेटर खुल चुका है और इसमें से जेट खोलेंगे। ये वाला जेट खुल चुका है, इसमें अपन तार फंसाएंगे। तार को ऐसे फंसा के ऐसे घुमा के इसको ऐसे आंट लगा दो, जिससे अपना माइलेज भी अच्छा रहे गाड़ी का और चलने में कोई समस्या ना हो। तार लिया, अब इसको ऐसे लगा के गेट को ऑफिस लगा दो और इसको ऐसे पकड़ के गेट को टाइट कर दो। अपना गेट टाइट हो गया और कटर के माध्यम से इसको वेस्टेज तार को वायर को वापस ये कट कर दो, ठीक है। ये अपना जेट काम कंप्लीट हो चुका है, ये जेट वापस इसमें डालेंगे। काम घर पे करो तो सावधानी से करो, यदि नुकसान हो जाए तो किसी अच्छे मिस्त्री के माध्यम से करवाएं काम अपना। बिना सोचे समझे काम ना करें, जिससे कुछ हानि भुगतनी पड़ सकती है आपको। वापस लगा के दोनों स्क्रू को लगा दो वापिस, दोनों स्कूल लग चुके हैं और अपना वापस को कार्बोरेटर को इसको वापस फिटिंग करेंगे अपन, होस पाइप के अंदर से साफ कर लेंगे, ये कचरा हो रहा है साफ कर लेंगे, ठीक है। इसको भी साफ कर लेंगे, इस
कार्बेटर को इसको ये अपने चौक वाला वायर है इसको वापस इसमें लगाएंगे, लगा के वापस इसको टाइट करेंगे। चौक वाला हो गया, ये लग गया है। अब इसको कार्बेटर को अंदर फंसाएंगे वापस, ये होस पाइप में फंस चुका है, ये अपना प्लांट्स वाला मुंह है, दोनों स्क्रू वापस लगाएंगे इसमें। इसको लोड पे ले लेंगे दोनों बोल्टों को, तो दोनों लोड पे ले चुके हैं। फुल लोड पे ले लेंगे, ठीक है। अब ये अपना एक्सीलेटर केबल वाला पिस्टन है जो वापिस अंदर घुसाएंगे। ठीक है, ये लग चुका है अपना पिस्टन। अब इसको इस क्लिप को टाइट करेंगे, फुल टाइट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक तो एक सॉकेट लग गया, एक ये वैक्यूम पाइप वाली नली है जिसमें एक वैक्यूम का कनेक्शन इसमें देंगे, ठीक है। इसमें वैक्यूम का कनेक्शन देंगे और इसमें गैस का कनेक्शन देंगे, ठीक है मित्रों। पेट्रोल टी है जो डायरेक्ट कार्बेटर में पेट्रोल सप्लाई होती है, ठीक है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई इसमें पेट्रोल टी पेट्रोल बंद चालू करने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, इसलिए अपन ने ये टी स्पेशल टी बनवाई हुई है जो इसमें लगाएंगे, जिससे कि पेट्रोल बंद हो जाएगा, गैस भी चलेगी समय, उस समय पेट्रोल बंद रहेगा, पेट्रोल भी चलानी हो उस समय गैस बंद करके पेट्रोल चला सकते हो, इसलिए इसका इस तरह का इसमें जुगाड़ करेंगे। ये है अपने पास पेट्रोल टी, ठीक है। तो इस नली को क्या बड़ा करने के लिए इसमें अपन ये सॉकेट लगाएंगे, ठीक है। ये लगा दिया, फंसा दिया, फंसाने के बाद इसको ये वाली नली है जो अपन को नीचे से घुसा के यहाँ से घुसा के इसको ऊपर लेंगे, नली पेट्रोल की सप्लाई के लिए बंद चालू के लिए, फिर इसको ऐसे करके इसको जॉइंट दे देंगे इसमें, ठीक है, जिससे कि पेट्रोल टी तक जाए नली और पेट्रोल बंद चालू कर सके अपन। ये नली लग चुकी है, अब इसको पेट्रोल बंद चालू करने के लिए इसको अपन आसानी से टी लगा सकते हैं इसमें, इसमें आसानी से टी लगा सकते हैं। नली यहाँ पर आ चुकी है, इस नली को यहाँ से घुसा के यहाँ तक आ गई नली अपन की, यहाँ से घुसा के ये रही अपनी पेट्रोल टी है, वहाँ पे इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे, इसको कैसे इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे, जैसे कि पेट्रोल गैस पे चलानी हो उस समय पेट्रोल आप बंद कर सकते हो। ऐसे लगाने के लिए इसको आवश्यकता अनुसार नली को काट लेंगे, ठीक है।
आवश्यकता अनुसार इस नली को काट के ये यहाँ से इसको नली को कट किया और ये अपनी पेंट्रोल टी है, ठीक है, ये इसको ऐसे इसमें लगा दिए, ये पेंट्रोल चालू है, ये पेंट्रोल बंद हो चुका है, देखो ये पेंट्रोल चालू है, ये पेंट्रोल बंद हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक तो अपना कनेक्शन आ चुका है। इसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन और देंगे अपन, यहाँ से कनेक्शन और देंगे जो इसमें लगाएंगे नली अपन को, यही पेंट्रोल नली, ठीक है, इसमें लगा के ये टाइट लग चुके हैं, यहाँ से नली निकाल के ऊपर ले लेंगे इस नली को, ये रही नली अपनी, ये अच्छी वाली नली यूज़ की है, कोई हल्की वाली नली नहीं है अपने पास, ठीक है, इसलिए अपन ने ये इस कलर की नली लगाई है, हेवी ड्यूटी वाली नली है जो पेंट्रोल में यूज़ की जाती है, इसमें टैंक से पेंट्रोल को सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है वो वाली नली है, हल्की नली मत समझ लेना आप ये। ठीक है, ये लग चुका है अपना सिस्टम और यहाँ से नली इसको निकाल के इसको व्यवस्थित निकाल के ऐसे निकाल के इसको ऐसे होके इसको निकाल के आप इसको यहाँ से इस कार्बेटर में वापस लगा देना है, ठीक है, ये नली कट की और इस कार्बेटर को यहाँ कार्बेटर में इस नली को वापस यहाँ से सप्लाई दे सकते हो आप, ये कार्बेटर में सप्लाई चलेगी अपनी, ये देख लो, ये हो गए, ये अपना चोक वाला वायर है जो खुल गया था वापस इसको व्यवस्थित लगाइए, ये वायर चोक वाला वायर लग चुका है, ठीक है, ये देखो अपना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखो ये अपना पेंट्रोल यहाँ पे एक स्क्रू है, इस स्क्रू को यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के स्क्रू को व्यवस्थित यहाँ पे लगा देंगे, स्क्रू यहाँ पे लग चुका है, अभी अपने पेंट्रोल टी व्यवस्थित लग चुकी है, जूम करके बताओ इनको व्यवस्थित को, देखो ये पेंट्रोल ये जैसे ही ऐसे इसको ऐसे घुमाया ये अपना पेंट्रोल चालू, इसको ऐसे घुमाया ये पेंट्रोल बंद, ठीक है, ये अपना पेंट्रोल का सिस्टम हो चुका है। अब अपन क्या अब अपन इसमें गैस किट इंस्टॉल करेंगे, ओके मित्रों, नली है जो वैक्यूम के लिए, इसको कटिंग करेंगे यहाँ से, ये वैक्यूम वाली नली है तो वैक्यूम के लिए इसमें अंदर से कटिंग करेंगे, अंदर डालो राइट, वैक्यूम के लिए इस नली को यहाँ से कटिंग करेंगे, ये यहाँ से कटिंग की इसमें, ठीक है, ये टर्बो पाइप वाली नली है इसमें कटिंग करेंगे और इसमें अपन टी लगाएंगे जो अपने पास टी अवेलेबल है, प्लास्टिक टी लगाएंगे इसमें और इसके उस टी के उस वैक्यूम की उस नली की जगह ये टी लगा के फिर इसमें वैक्यूम की पाइप ऐसे ये इसमें फंसाई इसमें और ये वैक्यूम की यहाँ इसमें जॉइन देंगे, इसमें जिससे कि ये वेपोराइजर को वैक्यूम प्राप्त होती रहे, ठीक है, ये वैक्यूम की के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, वैक्यूम के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये वैक्यूम वाली नली हो चुकी है कनेक्शन के लिए और ये एक नली और है जो ये अपन गैस के लिए अंदर देंगे, जो गैस के लिए यहाँ पर लगाएंगे, ये गैस की नली हो चुकी है, ये गैस की नली दोनों नलियाँ हो चुकी है, गैस और वैक्यूम वाली, अब इसमें फिटिंग करेंगे इसको, ये वाला टैंक इसमें रखेंगे, स्कूटी का स्पेशल एक्टिवा टैंक के नाम से आता है, ये वाला ऑटो चौक मैजिक ऑटो चौक वाला वेपोराइजर जो इसमें इंस्टॉल करेंगे, ये मैजिक ऑटो चौक वाला वेपोराइजर, ये वाला रेगुलेटर है जो हाई टू लो प्रेशर रेड्यूसर लगा हुआ रेगुलेटर है, जो हाई टू लो प्रेशर रेगुलेटर है जिसमें इंस्टॉल करेंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार
इसमें क्लिप का यूज करेंगे आप। उड़ने की नहीं भरा बेटे अपने टाइप किया है, क्लिप टाइट हो चुका है और इस लेबल को यहाँ लगाएंगे ऐसे आवश्यकता अनुसार क्लिप ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे लगा के गली ऐसे ऐसे घुसा के इसको नीचे रखिए। ये अपना वेपोराइजर है जो आवश्यकता अनुसार यहाँ पे फिटिंग होगा, ये यहाँ पे ये नली को इसके अनुसार यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको। ये अपने पास स्पेशल कटर मंगाया हुआ है नली कटिंग के लिए। अंदर क्लिप घुसाया, इंस्टॉल कर रहे हैं अपने, इसमें फिटिंग कर रहे हैं, इसमें आप क्लिप टाइट करेंगे। टाइट हो गया है, अब इसमें कनेक्शन देंगे। ये वाली नली अपनी वैक्यूम वाली नली है, इसमें लगाई वैक्यूम वाली नली, जो वैक्यूम के कनेक्शन दिया था अपन ने टी लगा के, वो वाली नली है। ये वाली गैस वाली नली है जो इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बाद में फिटिंग कंप्लीट स्टार्ट हो जाए फिर वहाँ पे स्क्रू लगा के अपन टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब रहा अपन का क्या, इसमें एक जो प्लास्टिक का ढक्कन लगता है वो नीचे ढक्कन लगाएंगे। ओके, अपन फिल्टर खोला है, इस यहाँ पे फिल्टर खोल के बाहर निकाला है और ये वाला अपना प्लास्टिक का ढक्कन है जो इसमें लगाएंगे। ये देखो ढक्कन लग चुका है, ठीक है, ढक्कन लग चुका है, ये देख लो अंदर स्क्रीन डाल के देख लो, ढक्कन लग चुका है। अब इसको व्यवस्थित तरीके से वापस फिट करेंगे। व्यवस्थित तरीके से फिटिंग करेंगे इसमें, वो अपन को थोड़ी सी झुका दी गाड़ी को, फिल्टर को व्यवस्थित तरीके से फिट करेंगे वापस। ठीक है, ढक्कन वक्त लग के सब फिट हो चुका है इसमें। नीचे से फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम गैस पे स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी को, क्योंकि नीचे थ्री मीटर कंप्लीट लग चुका है। अब ये हमारा रेगुलेटर है जिसको ऑन करेंगे। ठीक है, और सेल्फ लगाएंगे यहाँ से, दो हाथ से तीन हाथ से पकड़ नहीं सकता, उसमें सेल्फ लगाएंगे।
और ये देखते हैं, ये चाबी ऑन की और ये एक्सीलेटर खींचा और ये सेल्फ लगाएंगे। एक्सीलेटर खुल ही ले रही है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हो सके तो पसंद आए तो आगे भी शेयर करना। वीडियो बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है। इसका माइलेज लगभग रहेगा 43 से 50 का माइलेज रहेगा इसको 1 किलोमीटर में। स्कूटी कंप्लीट हो चुकी है, अब देखते हैं इसका किस प्रकार परफॉर्मेंस रहता है। इसका ढाल मारेंगे अपन, किस प्रकार परफॉर्मेंस रहता है। और अपने की ढाल मारने के बाद गाड़ी के ओनर मालिक को भी ढाल मरवाएंगे कि किस प्रकार इसका अच्छा परफॉर्मेंस, पेट्रोल गैस का किस प्रकार परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है मित्रों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे पेट्रोल पे वो वैसी लपक है और चलाने में बिल्कुल जैसे पेट्रोल पे चल रही है वैसी चल रही है। ठीक है, अब हमारे गाड़ी के मालिक ओनर को ड्राइव के लिए देंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, कैसे चल रही है गाड़ी? कैसे पेट्रोल चल रही है? वैसी चल रही है, बिल्कुल कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल एकदम चल रही है पेट्रोल जैसे लपक पिकअप बढ़िया है। ठीक है, ये हमारे गाड़ी के ओनर हैं, गाड़ी के मालिक हैं। इनको हमने ये उदयपुर से पधारे हुए हैं, इनके हमने गैस किट लगाया है।